हम इस समय मौजूद हैं नगला छैपुर में, ये टूंडला विधानसभा पड़ता है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है चुनाव बहिष्कार का। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं आखिर ये चुनाव बहिष्कार किया क्यों जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरके सिंह बघेल है। आरके सिंह जी, ये चुनाव बहिष्कार आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? मेन कारण है कि देश की आजादी से लेकर आज तक इस रोड का कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि नेट पे गूगल पे कस्तूरी बिहार देवरी रोड के नाम से ये सड़क जानी जाती है। रेलवे कहती है हमारी पाइपलाइन पड़ी है, पाइपलाइन के बीच में कम से कम 15 फुट का गैप है दोनों पाइपलाइनों के बीच में। हम ये कहते हैं कि कम से कम पक्का ना करा के कम से कम इंटरलॉकिंग ही करा दें और दोनों साइड नाली बनवा दें, यही हमारी समस्या है। कितना समय हो गया इस रोड को जो बना नहीं? ये 70 सालों से नहीं बना, बीच में रेलवे ने, मैंने सुना है लोग बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार इस पे खड़ंजा रेल ने कराया था, इसके बाद में वो रेल खड़ंजे जमीन में धस गए, वो गड्ढे हैं, बरसात में दब जाते हैं। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं आखिर क्या समस्या है उन लोगों की। क्या नाम है आपका? भूपेन्द्र सिंह है। भूपेन्द्र जी, क्या समस्या है आपकी? ये समस्या हमारी इस पे रास्ते पे निकलने की है, जो हमारे बच्चे भी नहीं जा पाते हैं, ना हम जा पाते हैं, ना रिश्तेदार आ पाते हैं, कोई भी नहीं आ सकता है इसमें। ये इतने गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना नेता कर रहे हैं, ना कोई सरकार कर रही है, और ना कोई भी अधिकारी कर रहे हैं, हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है जो जिससे हमारे लिए बन जाए ये रास्ता। आप लोगों ने चुनाव बहिष्कार का वोट लगा रखा है, हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? हम ये सड़क चाहते हैं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, बस सड़क बन जाए हम वोट डालेंगे। जब तक सड़क नहीं है तब तक वोट नहीं। राम प्रकाश, आप जो इकट्ठे हुए हैं क्या वजह है? वो ये हमारी सड़क नहीं बनने का, न बच्चे पढ़ने स्कूल जा पाते हैं, आए दिन नाली में गिरते हैं, न यहाँ की बच्चों की शादी हो पा रही है, इसके लिए आंधी आती धूल घरों में भर जाती है, और रोज दुकानदार है वो बेचारे उल्टे सीधे मतलब पकवान बना के धूल मिट्टी खवा रहे हैं बच्चों को, क्या करे, दुकानदार भी परेशान है, सब परेशान है। इस रोड से कितने गाँव लगते हैं? इस रोड से लगते 10-12 गाँव। अब आप लोग क्या चाहते हैं? ये पक्का हो जाएगा तो यहाँ पर हम वोट डाल जाएंगे। सड़क नहीं तो वोट नहीं, इन लोगों को साफ कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर प्रशासन इस तरफ कैसा ध्यान देता है। फिरोजाबाद से हितेंद्र यादव, R9 न्यूज।